हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे महाराष्ट्र गोवा के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनसे रिलेटेड फैक्ट हैं उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे, SSC, डेली पुलिस या MTS का या किसी भी एग्जाम या किसी भी स्टेट का एग्जाम, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को दोस्तों बहुत शॉर्टली बनाया गया ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं उसके 2-3 दिन पहले ये वीडियो देख कर जाएं, ताकि आपके स्टैटिक जीके से जितने भी क्वेश्चन आए वो आपसे बने और आप उनका सही आंसर करके आए। दोस्तों, चलते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले बात करेंगे हम महाराष्ट्र के बारे में। लोकेशन आप देख पा रहे होंगे भारत की मैप में, ये महाराष्ट्र है जो कितने राज्यों से घिरा है इनके बारे में भी आपको बता दूं ये रफ करके। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, यहाँ से अरब सागर से महाराष्ट्र घिरा हुआ है, इस तरफ से गुजरात से और यहाँ से मध्य प्रदेश से। यहाँ दोस्तों इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लग रही है और ये आंध्र प्रदेश से इसकी तेलंगाना से इसकी सीमा लग रही है। वहीं यहाँ से कर्नाटक से और ये छोटी सी सीमा गोवा से महाराष्ट्र की लगती है। तो ये सारे स्टेट हो गए जिससे सीमा लगती है महाराष्ट्र की, और एक हो गया अरब सागर जहाँ से महाराष्ट्र की सीमा लगती है। चलिए बात करते हैं राजधानी की। तो मुंबई यहाँ की राजधानी, जनसंख्या घनत्व 665 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लिंग अनुपात 929 महिला प्रति 1000 पुरुष है, वहीं मुख्य भाषा मराठी है। राजकीय पशु गौर है और राजकीय पक्षु घूसर वन मुर्गी है, वहीं राजकीय वृक्ष आम है और राजकीय फूल जरूल है। बात करते हैं विधानसभा सदस्यों की, 288 विधानसभा सदस्यों की संख्या है, लोकसभा सदस्य 48 यानी 48 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 यानी 19 है और जिला 36 है। बात करें राज्य दिवस की, तो 1 मई को महाराष्ट्र अपना राज्य दिवस मनाता है। वहीं पड़ोसी राज्य मैंने मैप में बता ही दिया, लेकिन यहाँ भी बता दूं तो मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, ये सभी जो स्टेट हैं इनकी सीमा महाराष्ट्र से टच होती है। प्रथम मुख्यमंत्री YS चौहान थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, और प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश रहे हैं। बात करते हैं लोक नृत्य की, तो लावणी, नकाटा, कोली, लेजम, बोहदा, काफा, ये प्रमुख लोक नृत्य हुए महाराष्ट्र के। बात करें त्यौहार की, तो शिवाजी उत्सव, गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा और नागपंचमी, ये प्रमुख त्यौहार आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो दोस्तों बहुत से राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेंगे, जिसमें से चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेंगे। कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट जैसे कि दार्शनिक स्थल के बारे में बात करें, तो कन्हेरी की गुफाएं मुंबई में बौद्धों के द्वारा पहली शताब्दी में बनाई गई थी, ये आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेंगी। अजंता गुफा औरंगाबाद में राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाई गई थी, जो 200 से 700 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। एलोर गुफाएं औरंगाबाद में है, जो बुद्धों के द्वारा 450 से 650 ईस्वी में बनाई गई थी। एलिफेंटा गुफा मुंबई में है और ये राजपूत वंश के द्वारा 7वीं सदी में बनाई गई थी। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, जिसे औरंगजेब ने 1679 यानी 1679 में बनवाया था। अफगान चर्च मुंबई में ब्रिटिश के द्वारा 1847 में बनवाया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में 1901 में बनवाया गया था। महेश्वर, महाबलेश्वर, पालघाट, नासिक और शिरडी, ये प्रमुख दार्शनिक स्थल आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेंगे। कुछ और अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें, तो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, भारतीय मौसम विद्यालय ये पुणे में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रांबे मुंबई में है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर बोर्ड मुंबई में है, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई में है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक पुणे में आपको देखने मिलेगा। यूनेस्को साइट में अजंता और एलोरा की गुफाएं 1983 में यूनेस्को साइट में ऐड की गई थी। एलिफेंटा गुफाएं 1987 में यूनेस्को साइट में ऐड की गई थी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में, वहीं विक्टोरिया गोथिक एंड आर्ट डेको मुंबई को 2018 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं जनजातियों की, तो डोडिया, दुबला, नायका, कमार, बनारी, कोली, बंजाला, लोधरा, ओरेन और बरेली, ये प्रमुख जनजातियां महाराष्ट्र में हैं। बात करते हैं कुछ फैक्ट की, तो मुंबई को सात टापियों का नगर कहा जाता है। वर्ष 1995 में बंबई का नाम बदलकर मुंबई किया गया। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज मुंबई में है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई है और सबसे छोटा
जिला सिंधु दुर्ग है, ये भी आपको याद रखना है, स्टेट के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अहमदनगर और सबसे छोटा मुंबई नगर है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में स्थित, जिसे जेएल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित है, और ये दोस्तों गोवा का भी उच्च न्यायालय है, ये भी आपको याद रखना। इंडियन सोसाइटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में आपको मिलेगा, ये भी याद रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जिसका निर्माण 1911 में किया गया था, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका निर्माण 1911 में किया गया था। नेक्स्ट कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में आपको देखने मिलेगा। गांधी जी के द्वारा जो आश्रम बनाया गया था वर्धा में, उसका नाम सेवाग्राम आश्रम है, और इसे वर्धा में बनाया गया था। पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने हॉटस्पॉट घोषित किया है। भारत का प्रथम एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। कुछ और वन लाइनर के बारे में बात करते हैं, तो डलहौजी ने हड़प नीति के अंदर सबसे पहले सतारा को हड़पने की कोशिश की थी, तो ये आपसे पूछा जाता है कि किसे सबसे पहले हड़पने की कोशिश की गई थी, तो ये सतारा था। रत्नागिरी में अल्फांसो आम आपको देखने मिलेगा। पहली विद्युत ट्रेन मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी, जिसका नाम दक्कन क्वीन था, और पहली जो ट्रेन है वह मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी 1853 में, जिसका नाम फेरी क्वीन था, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। मुंबई और ठाणे के बीच दर्रा है, जिसका नाम थालघाट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मुंबई और पुणे के बीच एक दर्रा है, जिसका नाम भोरघाट है। नासिक में पुणे और अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों ये दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी को अपनी राजधानी लेकर आया था। भुसावल किला हेतु प्रसिद्ध है। लोनार झील बुढ़ाना में है, जो एकमात्र भारत की क्रेटर झील है, ये भी आपको याद रखना है। लोनार ये महाराष्ट्र के बुढ़ाना में है, और ये एकमात्र भारत की क्रेटर झील। तारापुर यूएसए की सहायता से 1972 में बनाया गया था, और यह भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। अजंता की पहाड़ी, सातमाला पहाड़ी, सह्याद्री, पश्चिमी घाट, यह सभी आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेंगे। स्नूकर और बिलियर्ड्स के विश्व विजेता पंकज आडवाणी पुणे से संबंधित हैं। भारत की पहली विदेशी पक्षी पार्क मुंबई में शुरू किया गया है। दोस्तों कुछ और फैक्ट की बात करें, तो पुणे शहर में देश का सबसे बड़ा गुंबद बनाया गया है। क्रिकेटर स्मृति ईरानी और रोहित शर्मा महाराष्ट्र से संबंधित हैं। विश्व प्रसिद्ध वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से संबंधित है। बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक आपको महाराष्ट्र में ही देखने मिलेगी। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर में बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। खो खो एंड टच खेल की शुरुआत, टच एंड रन खेल की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई थी। मर्दानी मार्शल आर्ट आपको महाराष्ट्र में देखने मिलेगा। हाजी अली की दरगाह मुंबई में स्थित है, और एलिफेंटा द्वीप जिसे धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है, ये मुंबई में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं गोवा के बारे में। तो दोस्तों गोवा के दो सिर्फ जिले हैं, जो एक का नाम उत्तर गोवा और दूसरे का नाम है दक्षिण गोवा। ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे भारत के मैप में, गोवा की है। इसके पड़ोसी राज्य में महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये दोनों पड़ोसी राज्यों की लिस्ट में आते हैं। बात करते हैं राजधानी की, तो पणजी गोवा की राजधानी है। जनसंख्या घनत्व 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 973 प्रति 1000 पुरुष है। वहीं उच्च न्यायालय मुंबई हाईकोर्ट लगता है। कुल जिले दो हैं। अगर बात करें सीमाओं की, तो पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व में कर्नाटक, ये सीमाएं आपकी गोवा से देखने को मिलेंगी। बात करते हैं विधानसभा सदस्य की, तो 40 विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्यों की संख्या दो है, राज्यसभा सदस्य की संख्या एक है, और राजकीय पशु मूसक मृग है। राजकीय पक्षी धमारा है। राजकीय वृक्ष मट्टी है। प्रथम मुख्यमंत्री दयानंद बडोदकर को बनाया गया था, और प्रथम राज्यपाल हरीश शर्मा थे। बात करते हैं राज्य दिवस की, तो 19 दिसंबर को गोवा अपना राज्य दिवस मनाता है। प्रमुख भाषा की बात की जाए या राजकीय भाषा की बात की जाए, तो कोंकणी है। नदियों में मांडवी, ज्वारी, चपोरा, बैतूल, ये प्रमुख नदियां आपको गोवा में देखने मिलेगी। हवाई अड्डा में डाबोलिम हवाई अड्डा आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं पर्यटन स्थल की, तो पालोलम बीच, दूधसागर वाटरफॉल, मंगेसी मंदिर, चोराव द्वीप, आगू आड़ा किला, नोबेल एविएशन म्यूजियम, अंजुना बीच, बागा बीच, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय या पर्यटन स्थल आपको देखने मिलेंगे गोवा में। वहीं शोध और अनुसंधान केंद्र में
समुद्र विज्ञान संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी पणजी में आपको देखने मिलेगा। बात करें लोक नृत्य की तो देखयानी, फुगदी, सिग्मो, गुजगर और गोंफ ये लोक नृत्य गोवा में देखने मिलते हैं। कार्निवल, सिग्मो और सनवर्ल्ड ये प्रमुख त्यौहार गोवा में ही मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में मोलेम, जिसे महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है या भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये गोवा में ही स्थित है। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये बोधला गोवा में ही स्थित है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है सलीम अली पक्षी अभ्यारण कहाँ है, तो ये गोवा में है, गोवा के बोधला में है। बात करते हैं कुछ और यूनेस्को साइट की तो चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा, ये इसे 1986 में यूनेस्को साइट में ऐड किया गया था। जनजातियों में डोडिया, दबला, नाकड़ा, सिद्धि और वर्ली ये प्रमुख जनजातियां आपको गोवा में देखने मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ वनलाइनर फैक्ट की तो सबसे पहले पुर्तगालियों का कब्जा गोवा में 1498 में हुआ था। पुर्तगाली सबसे बाद में 1961 में गोवा से गए थे, तो आपको याद रखना है भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गए हैं। गोवा आजाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है गोवा को आजाद कराने कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो इसका नाम है विजय। कुड़वी नृत्य गोवा में देखने मिलता है। गोवा का विरासत पेय फेनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं कुछ और फैक्ट की तो मछली गोवा राज्य का प्रधान भोजन है, ये दोस्तों यहाँ पर भोजन है यानी खाना है। गोवा का मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। 30 मई 1987 को 57वां संविधान संशोधन करके 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, कौन सा संविधान संशोधन किया गया तो 57वां 57th और 30 मई 1987 को ये संविधान संशोधन किए गए थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की है महाराष्ट्र गोवा के इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।